बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ये ट्राउज़र का डिज़ाइन बच्चों के लिए और बड़ों के लिए दोनों के लिए है। सबसे पहले हम ट्राउज़र लेंगे। ट्राउज़र की चौड़ाई 7 इंच है। लंबाई की तरफ हम 1-1 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। ऐसे हम एक एक इंच के फासले पर हम 5 निशान लगाएंगे। अब हमने जहाँ निशान लगाए हैं वहाँ से यूँ दोनों तरफ से पकड़कर यहाँ टक्स डालेंगे। ऐसे हम दोनों तरफ से पकड़कर यहाँ टक्स डालेंगे। ऐसे हम 5 टक्स डालेंगे। एक एक पैर के हम ये टक्स डालेंगे। ये हमारा पहला टक्स डल गया। इसी तरह अब दूसरे निशान से ऐसे पकड़कर दूसरा टक्स डालेंगे। अब हम तीसरा टक्स डालेंगे। यहाँ से हम दोनों तरफ से ऐसे पकड़ कर यहाँ टक्स डालेंगे। ये हमने 5 टक्स डाल लिए। ये देखिए, ये हमारे 5 टक्स डल गए। अब हम ट्राउज़र के नीचे लगाने के लिए फैब्रिक लेंगे। ये फैब्रिक हम ट्राउज़र के नीचे लगाएंगे। इस फैब्रिक की चौड़ाई 10 इंच है। यह डबल है, इसको सिंगल करके 20 इंच है और इसकी लंबाई 7 इंच है। लंबाई की तरफ हम इसके हाफ़ पर निशान लगाएंगे। 3.5 इंच का हम निशान लगाएंगे हाफ़ में और एक निशान हम 1.5 इंच चौड़ा लगाएंगे। यहाँ हम मोटा टक्स डालेंगे। यहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया। ये प्लेट हम लंबाई की तरफ 3.5 इंच का लगाएंगे। यहाँ हम बड़ा टक्स डालेंगे। यहाँ तक इसके हाफ तक बस। ये हमारा प्लेट डल गया। ये देखें, ये मोटा प्लेट है, इसको हम हाफ़ कर लेंगे। हाफ कपड़ा उस तरफ कर लेंगे और हाफ इस तरफ कर लेंगे। ये देखें, हमने टक्स को हाफ अप कर लिया, हाफ उस तरफ और हाफ उस तरफ। ये हमारा टक्स ऐसे खुलेगा। अब हम ट्राउज़र का हाफ करेंगे। ऐसे इसको डबल करके हम इसके हाफ में निशान लगाएंगे। अब ट्राउज़र के हाफ में हम इस फैब्रिक का हाफ रखेंगे ऐसे और इन दोनों को हम स्टिच कर देंगे। ये हमने स्टिच कर दिया। अब हम ट्राउज़र का पाइचा मोड़ेंगे। इसका बिल्कुल बारीक पाइचा मोड़ेंगे ऐसे। ये हमने ट्राउज़र का पाइचा मोड़ लिया। अब हम यहाँ से ट्राउज़र का एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर देंगे। अब हम ट्राउज़र को खोलकर जहाँ हमने दोनों हिस्सों को ज्वाइन किया था जहाँ से, वहाँ हम सिलाई लगाएंगे। फ्रंट साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम ट्राउज़र की फ़िटिंग कर लेंगे। ऐसे हम दोनों पैंचों को पकड़ कर यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ट्राउज़र का पैंचा हम
ट्राउज़र का पैंचा हम 9 इंच रखेंगे। अब हम 4 इंच चौड़ा फैब्रिक लेंगे। इस फैब्रिक की लेंथ हम 10 इंच रखेंगे, डबल करके 10 इंच का हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। वैसे ये 20 इंच है, उसको डबल करके 10 इंच है। ऐसे अब दोबारा हम डबल करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस फैब्रिक की हम टाई बनाएंगे। यहाँ से हम सिलाई को पतला कर लेंगे और यहाँ थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़कर सिलाई लगाएंगे। जहाँ हमने डिस्टेंस छोड़ा है वहाँ से हम टाई को सीधा करेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम पेन या बॉल पिन की मदद से टाई को सीधा करेंगे। जहाँ हमने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ा था, सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ से हम टाई को बाहर निकालेंगे। ऐसे हम यहाँ से टाई को बाहर निकालेंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ से भी टाई को सीधा करेंगे। ट्राउज़र के सेंटर में हम टाई को रखेंगे। ऐसे टाई का भी सेंटर हम ट्राउज़र के सेंटर में रखकर ऐसे सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम टाई को गिठान दे देंगे। ऐसे हम टाई को गिठान दे देंगे। ये हमारी टाई की गिठान आ गई। अब हम यहाँ पल्स लगा लेंगे। ये हमने पल्स लगा लिए और हमारा प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।